चंद्रयान 3 भारत के द्वारा प्रक्षेपित एक ऐसा उपग्रह, एक ऐसा यान जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विश्व के किसी देश ने पहली बार उस स्थान पर इस यान को उतारा है। यद्यपि 3 देशों ने पहले भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्रयान उतारने में सफलता प्राप्त की, अमेरिका, रूस और चीन, पर दक्षिण ध्रुव पर पहली बार भारत इस विश्व का पहला देश बन गया है जिसने अपने चंद्रयान विक्रम को वहां पे लैंड कराया। भारतीय वैज्ञानिक जो ऋषि तुल्य है, भारतीय वैज्ञानिकों को आज प्रणाम करता और आज सारा देश उनको नमन कर रहा है और सारी दुनिया नमन कर रही है उनको। भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत विश्व गुरु है इस बात का प्रमाण आज चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने इस यान को लैंड करा के ये संदेश लोगों को दे दिया कि वास्तव में भारत ही विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। एक बड़ा कार्य है, ये मानवता के लिए हुआ है, पूरे विश्व के लिए सफलता का ये बहुत बड़ा कार्य है। सारी दुनिया में इससे खुशी है क्योंकि इसके कुछ दिन पहले ही, अभी 2-4 दिन पहले ही, रूस के द्वारा प्रक्षेपित लूना 25 जो चंद्रयान पर उतरना था वो क्रैश कर गया और ये किसी देश की नाकामी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक दुखद खबर था। लेकिन ऐसे दुख के समय में भारत ने अपने चंद्रयान को चंद्रमा पर उतार कर मानो विश्व को विश्व गुरु होने का आहट और संकेत दे दिया है। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। भारतीय माँ के लाल, भारतीय सपूत, भारत माता के वो सच्चे सपूत जो वैज्ञानिक और इसमें लगे हुए एक एक कर्मचारी, इसमें लगे हुए एक एक मनुष्य, चाहे किसी भी प्रकार से वो लगे हों, और साथ में भारत सरकार को ही जिन्होंने वैज्ञानिकों के भीतर अब वो ऊर्जा भरी है, तो सारा देश, सरकार, सारे लोग और विशेषकर भारतीय वैज्ञानिक नमन के पात्र हैं। भारत माता को प्रणाम करते हुए चंदा मामा दूर के पुआ पकावी गुड़ के एक ऐसी बात कही जाती थी, लेकिन भगवत कृपा देखिए भारत ने आज उस चंदा मामा को भी नज़दीक ला दिया है। अब वो चंदा मामा भी हमारे नज़दीक आ गए हैं। आगे मानवता को इससे बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होने वाला है। पानी भी पाई गई है वहाँ पर, न जाने क्या क्या और चीज़ें होंगी जिससे मानवीय जीवन शांति, स्वस्ति और आनंद में रह पाएगा। आज के इस महान दिवस पर मैं फिर से एक बार भारत माँ के उन सच्चे सपूतों, उन वैज्ञानिकों को बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करता हूँ।